ये है हमारा डिपार्टमेंट जो देख के लगता नहीं है। अच्छा यार ना मैं बताता हूँ सीनियर का कैसे पता चलेगा, और जो फ्रेशर लोग फ्रेशर हो यार फ्रेशर है फ्रेशर है सीनियर है 23 कौन सा बैच है हमारा 22 पुराने या फेल हो गए। कुछ लड़के ना मेरे आगे जा रहे हैं, मैंने इनसे पूछता हूँ कि ना सीनियर हैं कि जूनियर, मुझे शक्ल से सीनियर लग रहे हैं। अच्छा यार आप लोग सीनियर, मैं अगर मैं सिंपल ओवरऑल सम अप करूँ कि यहाँ के बच्चे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल यू आर मोस्ट वेलकम। तो सीन ये है कि अब तो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आज पहली क्लास दोबारा लेने चलते हैं छुट्टियों के बाद, तो देखते हैं आज क्या क्या सीन रहता है। वैसे फ्रेशर्स भी आ गए होंगे, अगर मिले तो देखते हैं, अदरवाइज अपना काम तो है ना कि अपने सुकून से बैठना है क्लास में, एंड पे जाके अपना लेक्चर लेते हैं, देखते हैं आज क्या सीन होता है मेरे साथ, आज किस तरह का दिन रहता है। हॉस्टल साइड, और यहाँ से अभी हमने पहुँचना है यूनिवर्सिटी 1, 2 एंड 3। ये है हमारा डिपार्टमेंट जो देख के लगता नहीं है ये मेरा है, लेकिन फिर भी समझ लो ये मेरा ही डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। ये देखो GIS डिपार्टमेंट की बिल्डिंग आज प्यारी लग रही है। वैसे आगे वाली बिल्डिंग पे चलते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में हमारा कोई काम नहीं है। वैसे मैंने स्केड्यूल में ये भी नहीं देखा लेक्चर कौन सा, मैंने सिर्फ पहला देखा था और आखिरी देखा था। शुरू होना है 9 बजे, छुट्टी होनी है 2 बजे। इस तरह के लेजेंड भी मिलेंगे। 9 बजे क्लास शुरू होगी है, चल आके पहुँचते हैं क्लास में। तो डिग्री जो है वो 4 साल की जो है। अच्छा यार ना मैं बताता हूँ सीनियर का कैसे पता चलेगा, और जो फ्रेशर उनका, जो फ्रेशर होंगे ना उनके चेहरे बड़े मुस्कुराते हुए खिले खिले नजर आएंगे, जो होंगे सीनियर वो डिम से होंगे यानी खड़ूस से लगेंगे, और देखते हैं कौन फ्रेशर लगता है और कौन सीनियर। यार ना मैंने वो लड़के देखे हैं, मुझे लगता है वो फ्रेशर है, क्या कहता है फ्रेशर के सीनियर है जूनियर, क्या कहता है? मुझे तो जूनियर ही लग रहे हैं। चल रुक जाते, पूछ के आते हैं। यार आप लोग फ्रेशर हो या फ्रेशर है? फ्रेशर है सीनियर है 23 के ना, मैंने कहा था ना सही है। वैसे ना मुझे लग रहा है वो ना पीछे वाले फ्रेशर है, लेकिन सर पास खड़े हैं, दिल नहीं कर रहा जाने का। अच्छा हमें लग रहा है नहीं है फ्रेशर नहीं है, पक्का फ्रेशर नहीं है ये वाली बात, उनकी शक्ल से पता चलता है स्माइलिंग फेस। चल इस बार कंफर्म करते हैं ये फ्रेशर है कि नहीं, इस बार तुमने पूछना है ये फ्रेशर है शक्ल से, ठीक है। कौन सा बैच है हमारा? 22 पुराने या फेल हो गए। मैं तो पास हो गया। कैंटीन वाली साइड पे सिर्फ एक बच्चे से और पूछना है कि नए या पुराने, फिर वापस चलते हैं। लगता है सारे पता नहीं, लगता है उनकी क्लासेस वगैरह हो रही हैं, या वो कैफेटेरिया वाली साइड पे चेक कर लेंगे, उधर शायद कोई वहाँ एक आधी बैठी हो। अच्छा भाई लोग हम लोग गए थे कैफेटेरिया वाली साइड पे, सारी वहाँ जो सीनियर है ना वो बैठे हुए चाय शाय पी रहे हैं, उधर मुझे शक्ल से नहीं लग रहे थे कि वो कोई जूनियर हैं। की बात ये है कि अब हमने सीनियर डिटेक्ट करने हैं, जूनियर डिटेक्ट कर करके थक गए, मतलब थोड़े से डिटेक्ट किए और अंदर से मैं पास हुआ, दूसरा फेल हुआ है, इसने ना एक सीनियर डिटेक्ट किए, देखते हैं। देखा एक सही डिटेक्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लड़के ना मेरे आगे जा रहे हैं, मैंने इनसे पूछता हूँ कि ना सीनियर हैं कि जूनियर, मुझे शक्ल से सीनियर लग रहे हैं क्योंकि इनके मतलब डल चेहरे हुए पड़े हैं ना काम कर करके। अच्छा यार आप लोग सीनियर हो, कौन से सेमेस्टर के हो? हम सेवंथ। देखा मैंने सही बोला था, असल में मैं शक्ल से जज कर रहा था कौन से किस सेमेस्टर में हो सकते हैं। अच्छा तो आप इतने मतलब जो आखिर वाले होते हैं ना वो फेड अप हुए होते हैं, उसी तरह की आपकी फीलिंग आ रही थी। सही बोला। तो मैंने सही डिटेक्ट किया। और आज एक मजे की बात बताऊं, लड़का मुझे मिला वो कहता भाई आपको मैं जानता हूँ, वो कहता एकदम से कहता हाँ मैंने आपका YouTube चैनल देखा। भाई बार दूसरी दफा हुआ है, जो पहली बार मिला था वो जूलॉजी डिपार्टमेंट का लड़का था, ठीक है। वेल यार ना छुट्टी हो गई, वैसे उस तरफ रश है, और मैं जा रहा हूँ वापस हॉस्टल वाली साइड पे, मुझे चलान पे करना है हॉस्टल का, और उसके अलावा 2-3 काम है। अगर मैं सिंपल ओवरऑल सम अप करूँ कि यहाँ के बच्चे पढ़ने वाले हैं और सीरियस टाइप रहते हैं, ज़्यादा शुगल मेला नहीं है, और ओबियसली सारा छोटा सा डिपार्टमेंट PUCIT इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट ज़्यादा लिंक नहीं है ना, तो इसलिए इतना ज़्यादा रश वगैरह क्राउड ही नहीं होता, लेकिन होता है लेकिन छुट्टी के टाइम। लेकिन अभी मैं उस तरफ से इधर आ गया हूँ ना, रश थोड़ा कम हो गया। तो भाई लोग सीन ये हुआ है कि अभी आया हूँ वापस हॉस्टल वाली साइड, और अभी हम लोगों ने डिपार्टमेंट वाली साइड पे भी जाना है। अच्छा यार ना अभी का सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ बैंक वाली साइड पे, मुझे पैसे विदड्रॉ करवा के ये चलान पे करनी है। यार ना बैंक वाली साइड पे रश बहुत था, और मेरा नंबर भी बहुत बड़ा उन्होंने मुझे दे दिया था, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ दूसरी ब्रांच में जाके ना फीस सबमिट करवाते हैं, उसके बाद वापस चलते हैं। और वैसे गर्मी बड़ी हो गई है, नहीं वैसे ठंडा मौसम है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। कुछ खाते पीते हैं उसके बाद चलते हैं दूसरी ब्रांच पे। चलो यार रोटी मंगवा ली है, साथ चने हैं, ये शायद गोश्त है, और खाते हैं निकलते हैं।
खाना खा लिया, अभी चलते हैं हॉस्टल, बैग शैग रखते हैं, मुंह धोते हैं, फिर निकलते हैं दोबारा, आराम कर लूँ 5-10 मिनट, बड़ा थक गया हूँ यार। चलो भाई, बाइक एकदम रेडी है, ऐसे करके निकलते हैं। यार यहाँ पे रश कितना होता है। वेल, मैं SBL की ब्रांच पे आ गया हूँ और अभी फी पे करते हैं और भागते हैं इधर से। बड़ा रश है यार, वेट 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 भाई लोग, काम हो गया और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं यार ना, बैंक में फ़ी पे करने के बाद मैं शॉप पे, और मुझे ना यहाँ से एक वाटर बॉटल चाहिए, तो देख लेते हैं कोई पसंद आती है ना, उठा लेते हैं इधर से। पिंक कलर नहीं अच्छा, पहले भी एक इस तरह की ख़राब की, एक रेड ले लेते हैं। और हाँ बस यार ना, ये दो चीज़ें चाहिए थी मुझे, ये दो करते हैं। असल में मैं सोच रहा हूँ कोई और चीज़ लेनी है तो आए, लेकिन दिमाग में कोई चीज़ और लेने की आ ही नहीं, कुछ खा भी लेते हैं फिर यहाँ से चलते हैं। वेल यार, खाना खा लिया है, बोतल भी ले ली है, एक बॉल पेन ली थी, असल में ना मुझे चाहिए थी क्योंकि आज मैं लड़के से मांग के लिख रहा था, और अभी का सीन ये है कि इसके बाद कुछ काम करना है, लेकिन जो हम नेक्स्ट टाइम के टाइम में, मतलब जो हम इन फ्यूचर थोड़ा ना स्किल्स वगैरह पे भी काम करेंगे, तो उसके लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ, जैसे ही कोई दिमाग में चीज़ आती है तो फिर हम उस पर भी काम करना शुरू करेंगे। तो वैसे आज का ब्लॉग इधर ही एंड कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा रहा, मज़े का दिन रहा आज, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।